फरवरी का महीना यानी कि साल के स्टार्टिंग का दूसरा महीना, जिसपे नॉर्मली 30 या 31 दिन की जगह सिर्फ 28 या 29 दिन ही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा होता क्यों है, मतलब फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आज जो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है। पुराने रोमन कैलेंडर में महीनों की शुरुआत मार्च महीने से होती थी और जो पूरा साल होता था यानी कि पूरा ईयर होता था वो सिर्फ 304 दिन का होता था और साल में 10 महीने होते थे। और बाद में इस कैलेंडर में सुधार हुआ और 2 महीने जनवरी और फरवरी को ऐड कर दिया गया और साल 12 महीने का होने लगा और ये साल 355 दिनों का होने लगा। लेकिन ये कैलेंडर भी सही साबित नहीं हुआ, कुछ त्योहार इस कैलेंडर के अनुसार सही समय पर नहीं आए तो इस कैलेंडर में भी और भी सुधार किया गया और इन्हीं त्योहारों की तारीख सही करने के लिए फरवरी महीने से 2 दिन कम कर दिए गए और साल में 365 दिन हो गए। और ये कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और हर साल में 6 घंटे बच जाते हैं और यही 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे यानी कि एक दिन बना लेते हैं और इन्हें फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। और यही कारण है कि फरवरी महीने में 28 या 29 दिन ही होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम अमेजिंग वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।